बड़ी अपडेट, रात 2 बजे हुई ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा। बता दें, जिला अदालत के आदेश पर 30 साल का इंतजार खत्म हो गया है। 30 सालों तक यहां पूजा करने पर मनाही थी। विश्वनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी और रामलला प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मुहूर्त निकालने वाले गणेश्वर द्रविड़ ने ये पूजा की है। इस दौरान RRF के जवान ज्ञानवापी परिसर में मौजूद रहे। पूजा से पहले जिलाधिकारी DIG की मौजूदगी में बैरिकेड हटाए गए। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने ये साफ किया है कि वो इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। बड़ी अपडेट, रात 2 बजे हुई ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा। बता दें, जिला अदालत के आदेश पर 30 साल का इंतजार खत्म हो गया है। 30 सालों तक यहां पूजा करने पर मनाही थी। विश्वनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी और रामलला प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मुहूर्त निकालने वाले गणेश्वर द्रविड़ ने ये पूजा की है। इस दौरान RRF के जवान ज्ञानवापी परिसर में मौजूद रहे। पूजा से पहले जिलाधिकारी DIG की मौजूदगी में बैरिकेड हटाए गए। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने ये साफ किया है कि वो इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। बड़ी अपडेट, रात 2 बजे हुई ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा। बता दें, जिला अदालत के आदेश पर 30 साल का इंतजार खत्म हो गया है। 30 सालों तक यहां पूजा करने पर मनाही थी। विश्वनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी और रामलला प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मुहूर्त निकालने वाले गणेश्वर द्रविड़ ने ये पूजा की है। इस दौरान RRF के जवान ज्ञानवापी परिसर में मौजूद रहे। पूजा से पहले जिलाधिकारी DIG की मौजूदगी में बैरिकेड हटाए गए। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने ये साफ किया है कि वो इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।